यवतमाल जिले के दिग्रस तहसील में राजस्व विभाग की संदेहास्पद लापरवाही की बदौलत रेती तस्करी का गोरख धंधा खूब फल फूल रहा है। बीते सोमवार को जहां रेती से लदे एक ट्रैक्टर ने तुपटाकली गांव में एक बकरी को कुचल दिया था, वहीं अब सूत्रों की माने तो 3 जनवरी मंगलवार को चिरकुटा लाख परिसर में अवैध तरीके से रेती ढुलाई करने वाले ट्रैक्टरों को पकड़ने के बावजूद बगैर कार्रवाई के छोड़ दिया जाने की जोरदार चर्चा छिड़ गई है। दिग्रस तहसील परिसर में गौण खनिजों के अवैध उत्खनन का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। दिग्रस तहसील के राजस्व विभाग द्वारा जानबूझकर बरती जा रही लापरवाही से रेती तस्करी का गोरख धंधा खुलेआम जारी है। हाल ही में 2 जनवरी सोमवार को दिग्रस आर्मी रोड पर टुपटाकली गांव में रेती की अवैध ढुलाई कर रहे तेज गति वाले एक ट्रैक्टर ने बकरी को कुचल दिया था, जिसके बाद वहां लोगों का हुजूम उमड़ आया था और इस घटना की सूचना तहसील प्रशासन को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर मंडल अधिकारी और तलाठी इन सब ने इस मामले में ट्रैक्टर चालक पर कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर को जब्त कर लिया था। इस घटना को लेकर एक सवाल उठ रहा है कि अगर रेती से लदा ट्रक बकरी को न कुचलता तो क्या अवैध रेती ढुलाई का यह मामला उजागर होता? शायद नहीं। जहां इस सड़क हादसे में बकरी को कुचलने वाले रेती ट्रैक्टर जब्ती मामले को बीतकर अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था कि सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि 3 जनवरी मंगलवार को भी चिरकुटा लाख परिसर के पगडंडी मार्ग पर अवैध तरीके से रेती ढुलाई करने वाले 2 ट्रैक्टरों को राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बगैर कार्रवाई के छोड़ दिया, जिससे साफ हो जाता है कि रेती तस्करी के गोरख धंधे की और राजस्व प्रशासन न सिर्फ जानते बूझते अनदेखी बरत रहा है, बल्कि आए दिनों हजारों ब्रास अवैध रेती का उत्सर्ग करने वाले और सरकारी राजस्व को लाखों का चूना लगाने वाले रेती माफियाओं का मनोबल भी बढ़ा रहा है। ऐसे में जिलाधिकारी कार्यालय रेती तस्करी की घटनाओं को तत्काल संज्ञान में ले, ऐसी मांग अब उठने लगी है, क्योंकि दिग्रस तहसील में राजस्व विभाग की संदेहास्पद अनदेखी से छुपे तरीके से जारी रेती तस्करी के गोरख धंधे से न सिर्फ सरकारी राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि पर्यावरण संतुलन बिगड़ने के साथ ही प्राकृतिक संसाधनों की बेतहाशा हानि भी हो रही है, जिस पर वक्त रहते लगाम लगाने की मांग जिलाधिकारी कार्यालय से दिग्रस तहसील की जनता कर रही है। BCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।